हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक डिजिटल स्टडी। आज टाइम ऑफ सप्लाई का लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। सिक्सी है ना? स्टार्ट करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑन डिमांड। सर सेट पब्लिकेशन सेट पब्लिकेशन सेट पब्लिकेशन, तो जो सम कर रहे ये अपन सेट पब्लिकेशन की बुक से कर रहे हैं। टाइम ऑफ सप्लाई आयनापुरी टेक्स्ट बुक का इज डन। जो पांचवा लेक्चर था उसके अंदर सिर्फ मैंने आयनापुरी रेफर किया। अभी जितने भी सम्स है ये सब आपके सेट पब्लिकेशन के, और मैं रेफर करने बोलूंगा बट करेक्शन बहुत है टेक्स्ट बुक में, डेट्स का बहुत करेक्शन है, बट कंसेप्ट इज क्लियर। इसके लिए इसके कंसेप्ट पे भागो, डेट्स को जरा मैनिपुलेशन आप जरा देखना हमेशा याद रखो। आपका प्रीवियस ईयर क्या है? आपका प्रीवियस ईयर है 21-22 मतलब अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 के बीच का ही डेट होना चाहिए, पहले दिमाग में ये रखो। अगर जैन आया तो ईयर कौन सा हो जाएगा? 2022, समझा? दिसंबर तक है तो 2021, इतना ध्यान में रखना कि आपका जो डेट रहेगा 21-22 के बीच में ही चलना चाहिए। ओके, तो थोड़ा बहुत करेक्शन रहेगा क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक से रेफर टाइप करवाया, बट थोड़ा सा जो भी करेक्शन है मैं अभी ऑन पेपर करवा देता हूं। पहला दिया है द डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल। ये जो सेंटेंस है ये इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ रिसीप्ट फॉर पेमेंट। इस क्वेश्चन में डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल या और एक डेट होता है डेट ऑफ रिमूवल। जब एक क्वेश्चन में डेट ऑफ गुड्स अवेलेबल या रिमूवल डेट होगा एक क्वेश्चन में, जब ऐसा होगा तो इन रिमूवल एंड अवेलेबल दोनों को कंपेयर करने का विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि अवेलेबल भी है रिमूवल भी है, तो इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर एक वो डेट लिया जाएगा। दूसरा होता है डेट ऑफ इश्यू ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इश्यू ऑफ पेमेंट एंड लास्ट ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट, इन दोनों को कंपेयर करने का विच एवर इज अर्लियर। दो डेट आपके पास आए उन दोनों में विच एवर इज अर्लियर विल बी कंसिडर क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। वापस 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 गुड्स मेड अवेलेबल अगर क्वेश्चन में आ गया, इसको रिमूवल से कंपेयर करने, बट रिमूवल तो है नहीं इस क्वेश्चन में, मतलब ये डेट ही कंसिडर होगा। इनवॉइस के साथ लास्ट डेट ऑफ पेमेंट होना चाहिए, है क्या? नहीं, मतलब इनवॉइस ही कंसीडर होगा। अब पेमेंट टू द रेसिपिएंट विल बी नॉट कंसीडर एज ये मूवमेंट ऑफ गुड्स है, और मूवमेंट ऑफ गुड्स में टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस और गुड्स अवेलेबल विच एवर इज अर्लियर। चाहिए तो लिख के लो क्या बोला मैंने, मैंने कहा है ये मूवमेंट ऑफ गुड्स है और मूवमेंट ऑफ गुड्स में दो डेट्स इसके होते हैं दो डेट इसके होते हैं, बराबर है? इसका कौन सा डेट है? गुड्स आर मेड अवेलेबल एंड रिमूवल ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर, इश्यू ऑफ पेमेंट लास्ट डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। दोनों का अर्लियर निकालने का कंपेयर करने का, बट इस क्वेश्चन में ना तो लास्ट ड्यू डेट दिया ना ही रिमूवल दिया, वो डेट ही नहीं है, तो इन दोनों को ही हम कंपेयर करेंगे और इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर विल बी टीओएस। बैठ गया दिमाग में? हाँ जी। चलिए अब आपकी तरफ मैं छोड़ रहा हूं, एक एक करके जो लाइव देख रहे वो भी और यहां वाले भी। 12-12 एक ही मंथ 2021 में रहेगा। 7-30 विच एवर इज अर्लियर, क्या बात है। टाइम ऑफ सप्लाई 7-12-21, समझ में आ गया क्या? वेरी गुड केशव भी बोला मेरे काम का चीज है। दिसंबर 2021 फरवरी 2022 फेब आया मतलब 22 आएगा वो कंसीडर भी नहीं होगा। Whichever is earlier, क्या बात है? 5-5-12-2021 ठीक है क्या? समझ में आया? 16-11 ये 20-21 ठीक है। अभी मैंने स्टार्ट में ये बताया 21-22 नवंबर 2021 है, बट ये 16 है ये 26 है। Whichever is earlier, 16 का डोला
सर पेमेंट क्यों नहीं कंसीडर हुआ? अभी मैंने बताया ये रिमूवल ऑफ गुड्स है, मूवमेंट ऑफ गुड्स है, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स में मूवमेंट और इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर, पेमेंट का नहीं चल रहा है। क्या हो गया? 611 है। ठीक है कुछ नहीं, रब कर देते। ठीक है और कुछ? 16/11/2021। ठीक है बढ़ते आगे। फेब 2022 होगा, फेब्रुवरी हो गया ना, तो 22 होगा। 28/22 विच एवर इज अर्लियर, बात समझा? अब 25 जैन, 26 जैन विच एवर इज 25 जनवरी 2022, 7 मार्च 2022, मार्च ना, फेब, स्मार्ट हो गए तुम लोग यार, मतलब मेरे को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही तुम लोग को। समझ में आ गया? डन। चाहिए तो स्क्रीनशॉट, चाहिए तो स्क्रीनशॉट मत लो, अलाइव वाले ले लेना। समझ में आ गया कंसेप्ट? आप आपके बुक में लिख के ले लो जो कंसेप्ट मैंने बोला है, क्लियर है? क्योंकि मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा। ठीक है सेव कर रहे, ओके बढ़ता हुआ आगे। सेकेंड नहीं आया, नहीं ना सेकेंड। अब यहाँ हाँ, अभी वो जो सेकेंड आपका डाउट है वो इधर क्लियर रहेगा। देख लो क्या है इधर, डेट ऑफ इनवॉइस है। हाँ जी यस, डेट ऑफ इनवॉइस है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट भी है, पेमेंट इन द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द बैंक। अब जरा ध्यान से, डेट ऑफ इनवॉइस एंड लास्ट डेट ऑफ पेमेंट दिया हुआ है, यस, इसमें से कंपेयर किया जाएगा। यहाँ पे रिमूवल ऑफ गुड्स है क्या? नहीं है, तो इन दोनों को ही कंसीडर किया जाएगा, पेमेंट बाय द सप्लायर इन द बुक्स एंड क्रेडिटेड इले, सिर्फ ये दोनों कंसीडर किया जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई में जो हेड्स है ना उनको पकड़ना है, रिमूवल ऑफ गुड्स, गुड्स अवेलेबल, डेट ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, कौन सा हेड दिया है उसके हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई है। तो इधर हेड में डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डे ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इससे रिलेटेड है, तो इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि आप ये भी मूवमेंट ऑफ गुड्स ही है ना, फाइंड टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस एज पर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, तो इन दोनों के अंदर विच एवर इज अर्लियर विल बी माई टाइम ऑफ सप्लाई। सर बैंक अकाउंट में आया क्रेडिट हुआ, ये नहीं, आपको इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर विल बी कंसिडर। तो 11 में 12 में विच एवर इज अर्लियर, 11 में 2021। अमित क्या डाउट है बोल, कोई डाउट है? कस्तुभ, जोसेफ, 20 जुलाई 15 जुलाई, क्या बात, 15 जुलाई, एक मिनट ना बेटा, 26 लिखो ऑन डिमांड, ठीक है पढ़ लेते, 26 अगस्त 28 अगस्त 26 अगस्त, वापस से 26, भरोसा कर रहा हूं आप लोग के ऊपर। इधर इधर तो यहाँ पे 9, फिर 28 24 अक्टूबर, जून 20, देख लो पापा आंसर देख लेना, ठीक है हाँ इस पे देखते रहना, ठीक है डन, समझ में आया ये? चलिए ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया, क्लियर है, पक्का समझा? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओहो, क्या बात है, ध्यान से, इसमें सब डेट दिखेगा आपको, डेट ऑफ इनवॉइस, रिमूवल ऑफ गुड्स, डिलीवरी मतलब अवेलेबल ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसिप्ट पेमेंट मतलब लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मतलब लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, इले पहले इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर, फिर इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर, एंड देन जो दो डेट आया उसमें विच एवर इज अर्लियर, वापस सब, अरे क्या बात,
डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ डिलीवरी, इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर क्या है? 18 दिसंबर या 18 जैन? होता है. कौन सा सम आ गया भाई? ये वाला कर रहे थे अपन. ठीक है, ये वाला कर रहे थे. आ जा बेटा. वेरी गुड. आ जाते तो विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों का आंसर है 18 दिसंबर. बराबर 26 या 18? अब इन दोनों में अर्लियर, सबसे छोटा वही ले लेते हैं. हर बार छोटा काम नहीं करेगा भाई, ध्यान दे. क्या समझे भी बेशर्मो. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेट पे जाते हैं. आगे बढ़ ए चैत्राली, ध्यान देते. इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर, 14. इसमें इधर है ही नहीं, बैंक ट्रांसफर है मतलब उसी दिन हो गया है. विच एवर इज अर्लियर, सो स्मार्ट बॉयज गर्ल्स, गुड. समझ रहा है? नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट उसके बाद क्या है? टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब आपको याद होगा आधा पेमेंट वाला सम था, कंटिन्यूअस पेमेंट वाला कंसेप्ट. इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर, अप्रैल. बराबर विच एवर इज अर्लियर, अप्रैल. हाँ या नहीं? आई का ना. क्या ये मूवमेंट ऑफ गुड्स है? तो मैं लूंगा नहीं. द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वॉज 12,50,000. इसका मतलब यहां पे गुड्स नहीं है, यहां पे सर्विस है. अपने को क्वेश्चन में दो चीज होता है, सप्लाई में अंदर गुड्स एंड सर्विस. गुड्स का मूवमेंट था, यहां पे गुड्स का मूवमेंट थोड़ी आ सकता है, यहां पे सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा. और सर्विस जिस दिन प्रोवाइड किया गया है वही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई है. तो डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ गुड्स के अंदर विच एवर इज अर्लियर क्या था? 23 में. पेमेंट उसने कब किया? 25. बैंक में क्रेडिट पहले हो गया था. तो भाई जब बैंक में क्रेडिट हो गया था, सर्विस कब खत्म हुआ उसका? तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई कब होएगा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है. समझ में आया? लास्ट अपन ने कंसेप्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला किया था. क्लियर है? आ गया, सबसे छोटा काम नहीं आता है. समझ में आया? तो यहाँ पे तारीख क्या आएगा? 23 मई 2021. बात समझा क्या? क्लियर. नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? सेम क्वेश्चन है, यहां पे दिया है थोड़ा सा अलग. एडवांस पेमेंट वॉज रिसीव्ड ऑन 4/4/21 फॉर ₹5 लाख एंड द रेस्ट वॉज रिसीव्ड ऑन 25th of June 2021. मतलब यहाँ पे दो पार्ट्स है, तो मतलब यहाँ पे दो टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, एक 5 लाख के लिए और एक बैलेंस के लिए. अगर मैं 5 लाख की बात करूं, एडवांस पेमेंट है, तो क्या मेरी सर्विस खत्म हुई है क्या? नहीं. सर्विस कब खत्म हो रही है? 23 तारीख को ही. पेमेंट कब मिल रहा है? पूरा जून में. बराबर है? सर्विस कब खत्म हुआ? 23. उसने मुझे एडवांस दिया? हाँ जी, एडवांस दिया है. तो इसका मतलब हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? जिस दिन मेरा सर्विस खत्म हुआ. भाई सर्विस का तो पैसा दे, तूने डिले किया, पेमेंट कब आना चाहिए? समझ में आया? तो इस केस में भी हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? 23rd 5/21. और अगर मैं 5 लाख की बात करूंगा, तो 4, 25, 24, 23, ये सबके लिए डेट वही रहेगा, तो भी 23 तारीख ही आएगा, क्योंकि उसने 4 तारीख को पेमेंट किया था अप्रैल में. अरे समझ में आया? लास्ट वाले में जाते, चलिए बताइए क्या है लास्ट वाला. एंटायर अमाउंट वॉज रिसीव्ड ऑन द एडवांस, पूरा एडवांस मिला है. देखो पूरा जब एडवांस मिला तो क्या डेट आने वाला है? एक मिनट, 16 अगस्त 19, 19, 9. कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझते. हमने गुड्स डिलीवर किया, गुड्स नहीं सर्विस डिलीवर किया. कौन से तारीख को? 19 को ही. रेसिपिएंट का क्या है? डेट ऑफ रेसिपिएंट पेमेंट 9 तारीख को उसने किया. सर्विस कभी दिया? पेमेंट कब किया? 10 दिन पहले ही कर दिया था. हाँ जी,
बिल कब बनाया? अब जरा ध्यान दो, मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्टर आया, मैंने बोला मेरा काम कंप्लीट करके दे। उसने मेरा काम कभी कंप्लीट किया? 19 को। कभी? 19 को। ऑन पेपर 19 को मेरा काम खत्म हुआ, मतलब उसने बोला भाई काम खत्म हो गया, तेरे को 9 तारीख को मैंने पेमेंट दे दिया। इतना ही होता तो बिल कौन से तारीख को बनता? 19 को ही बनता ना। बिल कब बनाया मैंने? जब मैंने बिल 16 को बनाया, मतलब एज पर गवर्नमेंट रूल मेरा इनवॉइस क्या है? 19। तो डेट ऑफ सप्लाई यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? 16। 19 बनेगा क्या? समझा? वापस 19 को मैंने काम खत्म किया तो बिल 19 को ही बनना चाहिए, क्योंकि उसका पेमेंट तो पहले ही हो गया है, 9 तारीख को ही पेमेंट हो गया है। तो भाई जिस दिन होगा उस दिन बिल लेके जा भाई। लेकिन मैंने बिल 19 के पहले ही बना लिया, 16 अगस्त पे बनाया, तो जिस दिन बिल बन गया मेरे को मालूम है, हाँ 2 दिन में खत्म हो जाए, ले भाई बिल लेके जा। तो जिस दिन बिल बना तो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कौन से तारीख होएगा? 19 के 16। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? 19 के 16। 16 समझ में आया? तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? 16 अगस्त 21। क्लियर है? पक्का समझ में आया? 100%। बस इतना ही करने का है, मेरे को कुछ नहीं। क्लियर है यहाँ तक? पक्का क्लियर है? ठीक है, यही था क्या अभी? नेक्स्ट ठीक है, ये वाला कर लेते, फटाफट हो जाएगा। चलो होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।